सर्कल चढ़ाए दे आई आई थोड़ी देर चो जी क्या हुआ आप यहाँ गेट पर क्या है पूरा बताएं। आप देख रहे होंगे कि आज जो कॉल हमीरपुर कॉलेज के अंदर एक लड़की जो सुबह सुबह बेहोश हो गई और यहाँ बैठ रही है आधा घंटे वो तड़पती रही। जब एक टीचर आते हैं तो वो आते हैं, वो देखते हैं, उसको अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि अंदर से मैडम को लेके आता हूँ, वो वुमेंस मैडम को लेके आता हूँ अंदर से। तब तक वो 15 मिनट हो जाते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है, लड़की की हालत जो गंभीर हो जाती है तो टीचर जो है वहाँ पर आते नहीं वापस और उसको एम्बुलेंस में लिया जाता है। अभी तक उसको एडमिट नहीं किया गया है नीचे हॉस्पिटल में, पर लड़की की हालत अभी थोड़ी स्वस्थ लग रही है और उसके घर वालों को टीचर ने आश्वासन दिया है कि यहाँ से हम टीचर भेज रहे हैं हॉस्पिटल के लिए मैडम्स और उसके बाद उसके घर को इन्फॉर्म करेंगे। अभी देखते हैं जब टीचर जो है यहाँ पर कॉलेज के अंदर पार्किंग पे राज कर सकते हैं, एक स्टूडेंट्स के लिए गाड़ी जो है तो बाहर चलान कटवाना पड़ता है तो उनके लिए कोई पार्किंग नहीं है और टीचर गाड़ी लगाते हैं और एक बच्चे के लिए अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते जहाँ से 5 मिनट का रास्ता है हॉस्पिटल के। तो हम ये मांग करते हैं कि जब तक यहाँ से लड़की स्वस्थ नहीं हो जाती हम टीचरों की गाड़ियाँ कॉलेज गेट से नहीं जानते। आज जो आपने प्रदर्शन भी किया मैडम से भी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई आप? मैडम ने कहा कि मैं जो है वुमेंस फंक्शन लगा था उसके अंदर बैठी थी, बेटी जाओ बेटी पढ़ाओ वुमेंस डे था उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, DC साहब भी आए हैं, उनसे बात हुई हमारी, उन्होंने बताया कि हम बहुत जल्द उसके ऊपर नीचे फ़ोन कर दिया गया है कि वहाँ पर बात है लड़की को एडमिट कर लिया जाएगा। तो देखते हैं, अभी उन्होंने आश्वासन ही दिया है जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लगातार नारे लगाते रहेंगे, आप धरना चलता रहेगा और ठीक रूम गाड़ियों को हम नहीं जाने देंगे जब तक लड़की स्वस्थ नहीं हो जाती। और क्या मांगे हैं आपकी? हमारा ये मानना है कि टीचर जो है वो 5 मिनट के लिए यहाँ से झूठे वादे देते हैं कि हम
पाँच मिनट में आए और वो एक लड़की को गाड़ी में लेके जा सकते हैं। ये बात हमारी बहन के साथ भी हो सकती है, किसी कन्या के साथ भी हो सकती है। हमारा ये मानना है अगर ऐसी परिस्थिति हो तो कॉलेज के अंदर एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। कल यहाँ पर डिस्पेंसरी होती थी, उसे नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। तो हमारी ये डिमांड है कॉलेज के अंदर डिस्पेंसरी होनी चाहिए। ये नहीं होने वाला।